नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा के बहाने हिंदुत्व का मुद्दा गरमाने के बाद राज ठाकरे अब यूपी आने की प्लानिंग कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के दौरे पर वो आएंगे। खबर ये मिल रही है कि इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे और लाउडस्पीकर का ये जो पूरा मुद्दा चल रहा है इस पर अपनी राय उनके सामने रखेंगे और साथ ही साथ उनको बधाई भी देंगे। बताते चले, 5 जून से उनके जो ये कार्यक्रम है वो यूपी में शुरू होने जा रहे हैं और सिर्फ राज ठाकरे ही नहीं बल्कि उनके कई समर्थक उनके साथ उत्तर प्रदेश आएंगे और इसी कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए लगभग 12 ट्रेनें बुक कराई गई हैं जिसमें उनके समर्थक उनके साथ यूपी आएंगे। इसके अलावा अलग अलग साधन से भी राज ठाकरे के समर्थक उत्तर प्रदेश पहुंचने का काम करेंगे। 5 जून से उनका ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि इस दौरान राज ठाकरे अयोध्या भी जाएंगे, रामलला के दरबार में माथा भी टेकेंगे और इसके साथ साथ वो योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी करेंगे। बताते चलें, जो राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के महासचिव हैं डॉक्टर वागीश सारस्वत, उन्होंने एक बयान दिया है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि 5 जून को पहला कार्यक्रम यूपी की राजधानी लखनऊ में है। राज ठाकरे यहां योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान वो लाउडस्पीकर और सड़क पर धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी लगाए जाने पर उन्हें औपचारिक तौर पर बधाई देंगे। यहां से पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक सीधे अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दरबार में माथा टेकेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। इसके साथ साथ सारस्वत से यह भी सवाल हुआ कि जो महाआरती की जानी थी उसको क्यों रद्द किया गया, तो उन्होंने कहा कि अक्षय तृतीया के मौके पर यह प्रोग्राम रखा गया था लेकिन फिर चूंकि ईद भी है और किसी के त्योहार में कोई खलल ना पड़े इसी वजह से इस कार्यक्रम को रद्द करने का प्लान बनाया गया। बहरहाल 5 जून को जब राज ठाकरे उत्तर प्रदेश आएंगे, योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, तो इसके सियासी मायने निकलने अभी से तय माने जा रहे हैं। क्या कुछ नतीजा निकलकर सामने आएगा ये देखना वाकई में बहुत दिलचस्प होगा। आप इस पूरी खबर को लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर।